मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपना मठ नहीं बचा पा रहा, वो समाज को कैसे सुरक्षा दे पाएगा। सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि योगी के मठ में मुसलमानों की दुकानें, ये कैसा हिंदुवाद है। इतना ही नहीं, सुधाकर चतुर्वेदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की और सुधाकर चतुर्वेदी ने ये तक कह दिया कि गांधी का इस देश से कोई संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। गांधी की जगह गोडसे का पुतला लगाना चाहिए। भवन है जिसका कार्यालय है, जिसका काम है, और किसका लगेगा। जो हमारे जो हमारे आदि क्रांतिकारी हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, पंडित नथुराम गोडसे हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे महापुरुष हैं, वीर सावरकर हमारे महापुरुष हैं। अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी देश में तो किसकी लगेगी। अभी अभी पहले 2017 में कोशिश की थी, हटा दी गई थी, प्रशासन ने जब्त करने की मूर्ति, तो क्या आगे आंदोलन होगा या फिर प्रयास होंगे। नहीं, बिल्कुल आंदोलन होगा। थोड़ा सा अभी 2022 का चुनाव था 5 राज्यों में, तो हिंदू महासभा से बाकी पार्टी से समझौता हुआ नहीं, इसलिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हिंदू महासभा कार्यालय है, हमारा इस मत है तो वहाँ वहाँ पंडित नथुराम गोडसे की मूर्ति होनी चाहिए। जो चौराहे हैं कार्यालय के अगल बगल, वहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए। और तथाकथित जो सेकुलरवादियों के जो नाटक है देश में, या सावरकर जी के नाम पर, नथुराम जी के नाम पर जो अनाप शनाप जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि क्रांतिकारियों को अभद्र भाषा में व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि देश क्रांतिकारियों का है, देश समाज सेवियों का है, देश महापुरुषों का है। ये देश किसी गांधी या टकले का नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूं। मैं किसका देश ये किसी गांधी का, किसी टकले का नहीं। टकला मतलब मराठी बोलते हैं जिसके बाद सर पे बाल नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी से इस देश का कोई संबंध नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, भारत का उनका कोई संबंध नहीं है। ये 1947 से कांग्रेस की ये छद्म राजनीति है कि बेवजह रुपयों पर इनका फोटो, देश के हजारों चौराहों पर इनका प्रतिमा, देश के हजार रोड इनके नाम पे हैं। तो हम तो ये आह्वान करते हैं कि इनका जहाँ जहाँ पुतला है वहाँ वहाँ हटा देना चाहिए। वहाँ पुतला होना चाहिए किसका, नाथुराम गोडसे का। जो भी नाटक कर रहे हैं उनका पॉलिटिकली नाटक है, हमारे साथ समाज है, पूरा हिंदू समाज है, हर जाति का हर वर्ग का भेद है, सबको पता है कि गांधीवाद क्यों हुआ। किसी भी क्रांतिकारी से, किसी जो समाज को कुछ जानता है समझता है, अगर उससे पूछिए कि गांधी किसने मारा, तो तुरंत बता देगा। हमारे इतने काफ़ी है, अब कौन क्या बोलता है वो अपना अपना मन बतातर है। जी बताइए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।